सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल स्टडी विद तिवारी। दिस योर फ्रेंड आशुतोष सहित। गाइस, आज की इस वीडियो में हम क्लास नाइन्थ के साइंस, सोशल साइंस और मैथ्स के जो जो चैप्टर आपके टर्म टू एग्जाम्स में आ रहे हैं वो चैप्टर बताएंगे और कितने मार्क्स के कौन से चैप्टर से आ रहा है वो भी आपको बताएंगे। अगर आप ये जान लीजिएगा तो आपको बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि आपके कौन से चैप्टर पर कितना फोकस करना है। तो आई होप आप इस वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। चलिए, उससे पहले गाइस, अभी तक आप स्टडी विद तिवारी को सब्सक्राइब नहीं की, प्लीज़ स्टडी विद तिवारी को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको बताइए कि अपने चैनल पर क्लास नाइन्थ का नोट्स, क्वेश्चन आंसर और टर्म वन एग्जाम का भी बहुत सारा हम क्वेश्चन पेपर डाले थे, जो कि आपके टर्म वन एग्जाम में आपके इंपॉर्टेंट हुए हैं। तो आई होप आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और गाइस, आप करते हैं हमारे मैथ्स के सब्जेक्ट के साथ। तो इस वीडियो आपको बेसिकली यही बताएंगे कि आपके कौन से सब्जेक्ट से कितने मार्क्स आ रहे हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका सिलेबस है मैथ्स का, जो कि टर्म टू क्लास नाइन है। सबसे पहला यूनिट हमारा जो है कि 12 मार्क्स का आ रहा है, जो कि हमारा पॉलीनोमियल चैप्टर टू है। ये अलजेब्रा का यूनिट है, यहाँ पे देख सकते हैं अलजेब्रा से हमारा 12 मार्क्स का आ रहा है। तो अलजेब्रा से आपका 12 मार्क्स टोटल आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट यूनिट आपका यहाँ पे देख सकते हैं ज्योमेट्री यूनिट, लाइव ज्योमेट्री 15 मार्क्स का आ रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं सीबीएसई के वेबसाइट से इसको हम लिए हुए हैं। ज्योमेट्री से आपका 15 मार्क्स का आ रहा है। ज्योमेट्री में आपका 12 3 चैप्टर्स है। ये चैप्टर आपके एनसीईआरटी के 8, 10 और 11 है, जो कि हमारा क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल से आपके 5 मार्क्स आ रहे हैं, सर्कल से भी 5 मार्क्स के आ रहे हैं और कंस्ट्रक्शन से ही 5 मार्क्स के आ रहे हैं। टोटल 15 मार्क्स के आपके इससे आ रहे हैं। देन उसके बाद आपका नेक्स्ट है यूनिट मेंसुरेशन, इससे आपके 9 मार्क्स के आ रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका इस यूनिट से 9 मार्क्स का आ रहे हैं। इस यूनिट से बस आपका एक ही चैप्टर, जो कि चैप्टर नंबर 13 है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ये आपका 9 मार्क्स का आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आपका है यूनिट स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसे 4 ही मार्क्स का बस आ रहा है, जो कि आपका एक ही चैप्टर है, चैप्टर नंबर 15 एनसीईआरटी का, इससे आपका 4 मार्क्स से आ रहा है। टोटल आप यहाँ पे देख सकते हैं, टोटल आपका टर्न टू में मैथ्स से 6 चैप्टर हो गया, जो कि 12 15 9 4 = 40 मार्क्स का आपका हो गया। और 10 मार्क्स आपका इंटरनल असेसमेंट, टोटल आपका 50 मार्क्स हो गया। तो आपका टर्म टू पता जाए कि 50 मार्क्स का आ रहा है। चलिए, उसके बाद आप इसको स्क्रीनशॉट भी यहाँ पे ले सकते हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और आपको जो जो सब्जेक्ट का इस तरह का आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम सारे तरह का वीडियो बना देंगे। इस सब इसके बाद हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट है यहाँ पे साइंस। आप देख सकते हैं साइंस यहाँ पे है, क्योंकि क्लास नाइन टर्म टू है। इसमें आपका बेसिकली सबसे पहला यूनिट है मैटर इट्स नेचर एंड बिहेवियर, जो कि 18 मार्क्स का हमारे इससे आ रहा है। इसमें हमारा चैप्टर 3 और 4 केमिस्ट्री का है, एटम्स और उसके बाद हमारा स्ट्रक्चर्स, चैप्टर 3 और 4 केमिस्ट्री का। तो हमारा एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स है 9 मार्क्स का आ रहा है, उसके बाद स्ट्रक्चर एंड एटम्स हमारा 9 मार्क्स का आ रहा है। तो ये टोटल 18 मार्क्स ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है यूनिट 2 है ऑर्गेनाइजेशन इन द लिविंग वर्ल्ड, जो कि बायोलॉजी का है, इससे हमारा 8 मार्क्स के आ रहा है। चैप्टर नंबर 13 हमारा बायोलॉजी एनसीईआरटी का बुक का है, इससे आपका टोटल 8 मार्क्स का ये आ रहा है। चलिए, उसके बाद हमारा फिजिक्स से आ रहा है यूनिट मोशन फोर्स एंड वर्क, देख सकते हैं यहाँ पे चैप्टर 10 और 11 है, जिससे हमारा 40 मार्क्स का आ रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहला ग्रेविटेशन चैप्टर हमारा है, जो कि इस यूनिट में आता है, जो कि 7 मार्क्स का आएगा आपके टर्म टू में, और चैप्टर 11 से भी आपके 7 मार्क्स के आएंगे। टोटल आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके साइंस से टोटल 5 चैप्टर्स हो गए और ये टोटल 40 मार्क्स आपके हो गए। यहाँ पे आप इसको ऐड कर सकते हैं और 10 मार्क्स आपका इंटरनल असेसमेंट, टोटल 50 मार्क्स ये आपके भी हो गए। तो साइंस से भी 50 मार्क्स हो गए। यहाँ पे आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, अपने हम नेक्स्ट सब्जेक्ट और आज के वीडियो का लास्ट सब्जेक्ट के ऊपर वीडियो बनाते हैं, बताते हैं इसमें आपको कौन कौन से चैप्टर्स और कितने मार्क्स क्या रहे। तो आई होप गाइस, अभी तक आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लिए होइएगा। और एक बार चैनल को विजिट जरूर कीजिए, क्योंकि ऑलरेडी हम चैनल में बहुत सारा टर्म टू का वीडियो डाल चुके हैं, तो इसके बाद भी बहुत सारा वीडियो आते रहेगा। यहाँ पे हमारा सोशल साइंस का, जो कि टर्म टू क्लास नाइन है, सबसे पहला सेक्शन यहाँ पे इवेंट एंड प्रोसेस, जो कि हिस्ट्री का है। यहाँ पे देख सकते हैं हिस्ट्री से 10 मार्क्स का आपका आ रहा है। सबसे पहला चैप्टर हमारा चैप्टर नंबर 2 है, जो कि सोशलिज्म इन द यूरोप एंड द रशिया आ रहा है, जो कि हमारा 5 मार्क्स का टर्म टू में आएगा। फिर चैप्टर नंबर 3 हमारा है नाजी एंड द राइज ऑफ हिटलर, ये भी आपके टर्म टू में 5 मार्क्स के आएंगे, टोटल हिस्ट्री से 10 मार्क्स। उसके बाद हमारा यहाँ पे कंटेम्प्रोरी वर्ल्ड इंडिया, ये हमारा जियोग्राफी का, जो कि 15 मार्क्स का, याद रखिए जियोग्राफी से आपके टर्म टू में 15 मार्क्स आ रहे हैं। इसमें आपको 3 चैप्टर, जो कि हमारा चैप्टर 3 है ड्रेनेज, जो कि 5 मार्क्स के आएंगे। उसके बाद चैप्टर 4 है क्लाइमेट, जो कि 5 मार्क्स के आएंगे। और उसके बाद नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ, ये भी आपके 5 मार्क्स के टर्म टू एग्जाम्स में आएंगे। तो ये टोटल 15 मार्क्स आपके जियोग्राफी से भी हो गए। उसके बाद आपका नेक्स्ट है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, जो कि आपका सिविक्स का है। यहाँ पे सिविक्स से आपके 10 मार्क्स के आ रहे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं सिविक्स से आपके 10 मार्क्स के आ रहे हैं। सिविक्स का आपका चैप्टर 3 है एनसीईआरटी का, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, जो कि 5 मार्क्स के आएंगे। और वर्किंग
ऑफ इंस्टीट्यूशन, ये भी आपके 5 मार्क्स के अंदर, आपका सिविक्स से भी टोटल 10 मार्क्स हो चुका है। उसके बाद आपका नेक्स्ट है इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स से आपके टोटल 5 ही मार्क्स के आएंगे टर्म टू में, जो कि आपका एक ही चैप्टर यहाँ पे है पॉवर्टी एज अ चैलेंज, ये आपके 5 मार्क्स के आएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल 8 चैप्टर आपके टर्म टू में आ रहा है सोशल साइंस से, जो कि 10, 15, 10 और 5, टोटल 40 मार्क्स का आपके टर्म टू में ये आएंगे, और 10 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट जो कि 50 मार्क्स हो गया, जिसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और गाइज आप लोग टेलीग्राम पर ज्वाइन जरूर करें, क्योंकि टेलीग्राम पर सारा चीज़ का हम पीडीएफ डाल देंगे। तो बेसिकली आज की वीडियो में ये 3 सब्जेक्ट का हम कवर किए हैं। अगर आपको इंग्लिश हिंदी का भी वीडियो चाहिए और भी सब्जेक्ट का, तो हमें कमेंट कीजिए, हम ज़रूर आपके लिए वो वीडियो भी बना देंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, फ्रेंड में वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द, तब तक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए।